The beautiful and elegant actress Dipika Samson talks about her television journey till now. Let's hear it from her. ये एक चीज़ बहुत truly believe करती हूँ कि this industry has treated me very well. कहते हैं कि इस industry में सबसे ज़्यादा आपका luck काम करता है, तो मैं touchwood बहुत lucky रही हूँ इस industry में. मेरा जो first show था, that was Devi, which used to be on Imagine TV. वो करीबन डेढ़ महीने का ही सिर्फ था, and then it went off air. Fortunately, एक हफ्ते में I was on अगले जन्म हुए बिटिया की जो, and that मैं उसका हिस्सा थी करीबन 8 महीने के लिए. उस शो में बहुत कुछ सीखा, acting, patience level, what the industry is actually, क्योंकि डेढ़ महीने में तो कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला. उस शो में बहुत कुछ सीखा, एंड देन वंस दैट अगले जन्म वेंट ऑफ एयर, तो आई थिंक अराउंड अगेन इन अ मंथ एंड अ हाफ आई गॉट ससुराल सिमर का, एंड दिस इज टच वुड अ वेरी लॉन्ग जर्नी. इट वॉज विथ यशराज टेलीफिल्म्स फॉर रिश्ता.com. यशराज के जो शोज आए थे उनमें से एक था रिश्ता.com, एंड एपिसोडिक के लिए मैं एज अ कैरेक्टर जस्ट फॉर 2 सीन्स आई हैड गॉन. बट मुझे एक चीज़ की हमेशा बड़ी खुशी थी कि हाँ, मेरा फर्स्ट सीन, फर्स्ट अपियरेंस ऑन टी वी वॉज थ्रू यशराज. मेरा स्ट्रगल पीरियड आई थिंक वॉज बेरली अराउंड 8 मंथ्स. मैंने अपना पोर्टफोलियो करवाया, एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड, आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, एंड उसके करीबन 8 महीने में मुझे देवी मिल गया था. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आई फील दिस इंडस्ट्री हैज़ एक्चुअली ट्रीटेड मी रियली वेल. अभी आज, इनफैक्ट आज ही मैं एक शॉट देते वक्त बैठ के सोच रही थी कि पहला शॉट कैसा था, या पहले कुछ दिन कैसे थे, बिकॉज देवी का सेकेंड डे ऑफ शूट वॉज अ नाइट चंक इन द जंगल एरिया एंड फिल्म सिटी, तो इट वॉज वेरी स्केरी. वो सीन भी बहुत प्यारा सा था, द कैरेक्टर वॉज ऑल्सो वेरी इनोसेंट एंड नाइस. तो काफ़ी चीज़ें हैं, पीछे मुड़ के देखूँ और अब तक देखूँ तो एज एन एक्टर काफ़ी लोगों की मदद की वजह से मैं काफ़ी पॉलिश हुई हूँ, यहाँ तक आई हूँ. देयर इज़ वे मोर टू गो, और बहुत कुछ सीखना बाकी है. एंड या आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आया है कैमरा फेस करने का, एक अपनी अपनी तरह से एक किरदार को पर्दे पर दिखाने का, वो एक चीज़ आप में आती है. सो आई थिंक येस, एज एन एक्टर आई हैव एक्चुअली इवॉल्वड एंड आई हैव ग्रोन अ लॉट. मैं हमेशा, आई मीन मुझे लगता है हम लोग हमेशा थैंक्स बोलते हैं, पर अगर सच कहूँ तो थैंक्स एक बहुत छोटा शब्द है सारे फैंस के लिए, बिकॉज द वे दे लव अस, और जिस डेडिकेशन के साथ वो हमारा हर एपिसोड देखते हैं, अगर कुछ अच्छा हो तो इमिडिएटली, मतलब 8 बजे के बाद विद इन 15 to 20 मिनट्स वो एपिसोड के स्नैपशॉट्स बन के वेबसाइट पे आ जाते हैं, ट्विटर पे आ जाते हैं. सो इट इज़, इट्स मतलब कभी कभी आप उसे देखकर थोड़ा इमोशनल भी हो जाती हो कि यू नो, इफ़ यू वर्किंग हार्ड, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट अवार्ड दैट वी गेट. मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक फ़ैन का अप्रिसिएशन हम तक पहुँचाने का एफर्ट सबसे बड़ा अवार्ड और सबसे बड़ा मोटिवेशन है एज एन एक्टर हम लोगों के लिए. Dipika, we wish you all the good wishes in life and hope all your dreams come true. Ruchika Singh with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Dipika. Keep watching India Forums and please do subscribe for WhatsApp TV.